किसी भी व्यक्तित्व के बारे में कुछ लाइन कुछ शब्दों में कहना बड़ा कठिन कार्य है। मैं शंभू नारायण ओझा अपने गुरुदेव की पुण्यतिथि जो कि 13 मई को आने वाली है श्री प्रोफेसर रविन्द्रनाथ ओझा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। उनकी जीवन के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। अपने अध्यापन जीवन से लेकर के बचपन से लेकर के जितनी भी बातें हमको बताई उसके बारे में कहा जाए कि वो बड़ा संघर्षमय उनकी ज़िंदगी रही। मेरा उनसे मिलना एक एडमिशन के समय में उनसे हुआ जो उन्होंने बड़े सहज भाव से स्वीकार कर लिया और अपने घर पर आने के लिए आदेश दे दिया और उन्हें जितना हो सकता था आज तक जब तक वो जीवित रहे मुझे अपने बातों से प्रभावित करते रहे। दिशा ज्ञान दिग्दर्शन विराट स्वरूप प्रकृति के बारे में ज्ञान स्वरूप अपने व्यक्तित्व के बारे में बताते रहे। इवन मैं दूसरे स्टेट में जाने के बावजूद भी यहाँ से भी मैं अगर उनसे कुछ पूछता था तो बड़े अपनेपन ढंग से मुझे बताते थे। पूरे जिंदगी भर कॉलेज में पढ़ाने के बावजूद भी घर में अंग्रेजी सब्जेक्ट पे अपना पूरा अधिकार होने के बावजूद भी किसी से भी कोई फीस नहीं लिया। घर पर बुला के बताया एक एक चीज समझाया लेकिन उसके बदले कुछ भी नहीं लिया। पूरी जिंदगी वो धोती कुर्ता पहनते रहे और बड़े आराम से धोती पहन करके साइकिल चलाते रहे। ये उनकी सादगी का सर्वोच्च स्थान है। सादगी के बारे में जितना कहा जाए कम है। चौकी पर सोना न कोई अलमारी न कोई बक्सा ऊपर ही इधर उधर पैसे रख देना जितना जरूरत हो ले जाना खर्चा करना पूरे उनके घर में राम राज की स्थापना कर दी गई थी। चाची का उनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान है कंट्रीब्यूशन है। अगर चाची नहीं होती तो श्री प्रोफेसर रविन्द्रनाथ ओझा वो ओझा जी नहीं होते। उनका इतना नाम नहीं होता इतना समाज में उनका स्थान नहीं होता। पूरी जिंदगी भर लोगों को पढ़ाते लिखाते रहे लेखन लेखनी में अपना समय बिताते रहे। बहुत सारे मैगजीन्स में उनके लेख छपे किताबें छपी। प्रकृति का विराट दर्शन करने के लिए वो साइकिल से निकल जाया करते थे मुझे ले जाया करते थे। प्रकृति के बीच में चुप हो जाते थे जैसे वो बात कर रहे हों। उनके प्रकृति के बीच में जो सब्जेक्ट होते थे वो कुत्ते सुअर गिद गरीब भिखारी सब्जी वाला यही सब हुआ करते थे। उनके बारे में ही अपने बहुत सारे किताब में साहित्य में लिखा है उन्होंने वो क्योंकि वो बताते थे कि ये समाज की गंदगी को साफ करते हैं इसलिए वो उनके लिए बहुत बड़े प्रेमी हैं। चाय पीना उनका बहुत बड़ा एक शौक था। बाजार से अच्छे अच्छे कंपनियों के चाय लाकर घर पर बनवा करके पीते थे। अनुशासन प्रिय रहे चाय के मामले में कोई समझौता नहीं। सुबह नाश्ता करना है 7 बजे तो 7 बजे नाश्ता किए 11 बजे 12 बजे खाना खाना तो खाना खाना है 4 बजे चाय पीना है तो चाय पीना ही है शाम को फिर घूमने जाना है तो घूमने जाना ही है। कोई समझौता नहीं अनुशासन प्रिय इतने थे कि अगल बगल वाले भी उनसे मिलने के लिए पहले 10 बार सोचते थे कि कब मिलना है नहीं मिलना है। इसलिए उनके व्यक्तित्व के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। नमस्कार।